किशोरी राधे मेरो ए मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो ए किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे किशोरी ए किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे किशोरी हे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो हे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो हे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो हे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे किशोरी हे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो हे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो सियावर रामचंद्र भगवान की मोरम गुड़बंसी वाले की सुकुलाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये मनोजवं मारुततोल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये राम जी राम राम जी राम। भगवान की कैसी सुंदर कृपा है कि हम सभी लोग उनके हैं और वो हमारे हैं। अगर ये दो संबंध हमारे जीवन में सतत बना रहे और इसकी विस्मृति ना हो तो फिर किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। जैसे हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, अब दुख पाना ही पाना है। हमें भगवान की याद आ जाती है, दुख समाप्त हो जाता है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, हमारे श्री हनुमान जी महाराज राम जी से जब लंका से आए वापस तब बताते हैं, प्रभु जब तक आपका सुमिरन भजन नहीं होता है तभी तक कष्ट है। अब समस्या ये आती है
कि हम सुमिरन भजन करें कि यहाँ बाल बच्चों का पालन पोषण करें, क्योंकि भाई काम धंधा तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा या नहीं? लेकिन अगर यही भगवान का मान के कर ले तो कोई नुकसान है? लेकिन हम लोग उसको भगवान का मान के नहीं कर पाते हैं, उसको अपना मान के करते हैं। किसका मान के? अगर हम यही भगवान का मान लें तो काम बन जाए। काम तो वही का वही है। जैसे कुछ लोग थोड़ा बच्चों को करो कंट्रोल, इधर भी और उधर भी, एक दो लोग अगर ऐसे करेंगे तो सबको सुनने को मिल जाएगा। अभी ऊपर मंदिर में किसी को जाने नहीं देना, बच्चों को वहां से वापस ले आओ इनको। और बच्चे लोगों को चाहिए, अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने, हल्ला मचाना अच्छी बात नहीं है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। हम भूल गए क्या बोल रहे थे। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, जब तक जीव आपको भूलता नहीं है तब तक तो सुखी, और भूल जाए तो दुखी। इतने सुख दुख है। अब अगर हम लोग भगवान को ही याद करते रहेंगे तो घर का काम धंधा नहीं होता है, और घर का काम धंधा अगर भगवान का मान के कर ले तो काम बन जाए। जितना हम लोग संसार का काम सारा दिन करते हैं, अगर यही भगवान का मान के कर लें तो हम सुखी हो जावे। लेकिन अपना मान के तो जिंदगी भर करते हैं, और भगवान मान का हम थोड़ी देर भी नहीं कर पाते। यही केवल एक विधि गलत हो गई, नहीं तो स्वामी जी महाराज ने साफ शब्दों में पांच बातें बताई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचामृत। क्या बोलते हैं? लेकिन अगर इन पांच बातों की नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि एक बात भी अगर हमारे समझ में आ जाए तो काम बन जाए। कौन सी वाले? हम भगवान के ही, अगर हम भगवान के हैं तो रहेंगे कहाँ? भगवान के दरबार में। और जब भगवान के दरबार में रहेंगे तो काम किसका करेंगे? अच्छा, जब भगवान का काम करेंगे तो भूख लगने पर जीमेंगे किसका? और अगर उस दिन कोई आ गया तो फिर किसके प्रसाद से किसको जिमाएंगे? भगवान के दिए गए प्रसाद से भगवान के जनों के। लेकिन हम लोग इतना मान नहीं पाते हैं। कई बार मैंने एक और बात देखी है कि सेठ तो उदार है, लेकिन उसका जो मुनीम है वो कंजूस है, उसको चिंता खाई जा रही है। सेठ तो कह रहा है खुले हाथ आवे उसको दो, लेकिन वो मुनीम का हाथ कहां पे? अब बोलो भाई, वो दुख पाएगा कि नहीं? अरे जब सेठ उदार है हमारा, तो अब तुमको यश ले लेना चाहिए। ना तो तुम्हारे घर का कुछ प्रसाद है, और ना ही आने वाले लोग तुम्हारे। भोजन भी सेठ का, आदमी भी सेठ के, खर्चा भी सेठ का, बस अपने केवल खुला हाथ करना है और वाह वाह लेना है, इतने ही काम है। अगर ये चीज हमारे समझ में आ जाए तो बहुत सहज जीवन हो जाए। इतना सहज हो जाता है कि फिर आनंद ही आनंद है। अपने अभी यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, बताओ कोई कष्ट है क्या? यहाँ जितने लोग बैठे हो अभी कोई कष्ट नहीं है। लेकिन अभी मैं बोलो कि एक एक व्यक्ति आ जाओ, जिसके जो कष्ट हो मेरे को बताओ, तो कोई पीछे नहीं रहोगे, ठीक है भाई? रहेंगे क्या? कोई ना कोई, कोई ना कोई कष्ट हम सबके फिर निकल आएगा। लेकिन वो कष्ट अभी का नहीं है, किसी का दो घंटे का पुराना है, किसी का दो दिन पुराना है, किसी का दो महीना पुराना है, और कोई कोई तो ऐसे बैठे होंगे दो दो साल पुराने लिए रो रहे हैं। नहीं रो रहे हैं क्या? अगर इन सब चीजों को हम बढ़िया से समझ जाएं, फिर देखो कितना सुंदर आनंद आता है। भगवान का भजन करके हम लोग भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्णन ऐसा मिलता है, जन्म जन्म मुनि जतन करा ही और अंतराम कही आवत। बड़े बड़े मुनियों की बात है, अपने लोग साधारण गृहस्थ और ऐसा जीवन जीने वाले का नहीं, जो जिंदगी भर मनन किया है फिर भी अंत में भगवान का नाम नहीं निकलता है। तो जब इतना कठिन है तो हम लोग कैसे कर पाएंगे? तो हमारे तो एक ही बात मन में आती है, अपने से होना कुछ है नहीं। जो संत
जीवन मुक्त ईश्वर भक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने। जो संत महात्मा पहले हुए हैं उनके बताए हुए रास्ते पर अगर हम लोग चलने लग जाएं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। भगवान कुछ पूछें आप क्या जिंदगी में किया तो खुले मुख से हम लोग कह देंगे जो स्वामी जी ने कहा है वो हमने किया। अब आप जानो और स्वामी जी जाने, तब तो हमें लगता है कि अपनी गाड़ी तो पार हो जाएगी। और स्वामी जी महाराज की बताई हुई बातों पर अगर हम लोग चलेंगे तो हमारा क्या पतन होगा क्या? आप स्वामी जी महाराज का कोई भी सत्संग सुन के देख लो, किसी भी सत्संग में ये बात आपको नहीं मिलेगी कि घर बार छोड़ करके साधु बनोगे तब भगवान मिलेंगे, ऐसा लिखा है कहीं क्या? कोई देख लो ऐसा कहीं लिखा है? हम जहां हैं वहीं भगवान का मान करके और सेवा करने लग जावे तो हमारा उद्धार, हमारा कल्याण सब कुछ हो सकता है। बस ये बात हमारे समझ में आ जाए। आज हमारे मन में एक ऐसी विशेष बात याद आई वो बताने की है, बताऊं या रहने दो? भाई हर बार आते हैं बताते तो हैं और आप सुन लेते हो, हम भी अपनी जगह आप भी अपनी जगह, लेकिन भाई देखो प्रेम तो है तभी आप लोग एक थोड़ी देर के लिए देखो पूरे गांव में इकट्ठा हो जाते हो। प्रेम तो है इसीलिए हम ना भी नहीं कर पाते, लेकिन आज हमारे मन में एक अलग बात आई है कहने की, कह दूं या नहीं ये मेरे को समझ में नहीं आता। आप लोग नाराज तो नहीं होंगे और थोड़ी कड़वी लगेगी तब बता दो। आप ध्यान से सुने, हम केवल एक चीज कर लें क्या? अपनी जीव को बैठने न दें। किसको? जीव को। हाथ से घर में काम करते हैं, पैर से काम पड़ता है, कान से पड़ता है, आंख से पड़ता है, नाक से काम पड़ता है, आखिर जीव का कितना काम है सारा दिन। ज्यादा ज्यादा दो टाइम रोटी जीमते समय और बीच में कोई जल पीते हुए एक दो मिनट, इसके सिवा जीव क्या करती है बताओ भाई? और कौन ऐसे व्यक्ति हो जिसका जीव कमजोर हुआ है ये बता दो मेरे को? घुटना कमजोर होता है, कंधा कमजोर होता है, दिमाग कमजोर होता है, आंख कान कमजोर, लेकिन जीव भी कमजोर हो गई क्या आपकी? यहां जितने बैठे हो बुरा मत मानना, मैं थोड़ा कड़क भले ही कह रहा हूं लेकिन बात ये पूरी सही है। जीव किसकी कमजोर हुई है ये बता दो मेरे को? वो जीव आज भी जवान बैठी है किस लिए? राम राम करने के लिए। और हम लोग चूक रहे हैं, कोई काम नहीं है इसका, है काम क्या आप लोग कोई बता दो? बस ओठ बंद कर लो और अंदर ही अंदर ओठ चलाओ तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया क्या है कि तुम्हारा ओठ चलते देख करके किसी के मन में और प्रेरणा होगी, वो भी राम राम शुरू कर देंगे। अगर आपको लगता है कि ओठ थक जाएंगे तो आप ओठ बंद कर लो और सारा दिन राम 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 राम। भाई इसमें क्या जोर आएगा बताओ? आप लोग जितने बैठे हो इसमें कोई काम धंधा छूट जाएगा क्या आपका? अगर आज हम ये कह दें कि आप लोग 8 घंटा माला फेरा करो तब तो आप कहो महाराज जी कैसी बातें सिखा के जा रहे हो, 8 घंटा माला फेरे तो पेट कैसे भरेंगे? लेकिन भैया काम करते करते अगर जीव को राम राम में लगा दो तो क्या नुकसान है कोई बताओ भाई? हमें तो यही लगता है कि आज आप लोग आए हैं तो बड़े प्रेम से इतना मान लें, अगर आप ओठ नहीं चलाएंगे ध्यान देवें अंदर ही अंदर जीभ से करेंगे तो आपको कोई जान भी नहीं पाएगा कि आप राम राम कर रहे हैं। और जिस चीज को आप छुपाएंगे वो चीज बढ़ेगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जिस चीज को तुम छुपाओगे वो तो बढ़ेगी और जिसे प्रकट कर दोगे वो नष्ट हो जाएगी। रामायण में एक चौपाई आती है, छीज ही निशिचर दिन अरु राति निज मुख कहे सुकृति जही भांति। तो हम अपने मुख से नहीं बताएंगे कि हम भगवान का नाम लेते हैं और अंदर अंदर राम 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 राम। अब ये जब राम राम वाली बात आती है तब जल्दी लोगों को विश्वास नहीं होता कि इससे कल्याण हो जाएगा क्या? एक महात्मा के पास एक सज्जन जाके ये बात बोले, बाबा मेरे कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? बोले बेटा राम राम करो। अब तुरंत उन्होंने एक बात की, बाबा ये 2 अक्षर से क्या होता है? जैसे उन्होंने कहा 2 अक्षर से होता क्या है, महात्मा जी के न जाने क्या लगी, बोले मूर्ख कहीं का, भाग जाए यहां से। अब तो वो सज्जन इतने गुस्से में लाल पीले होने लग गए, तंतना ये कोई साधु है मेरे को मूर्ख कह दिया?
लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था वो उनको शांत किया। दो चार मिनट में जब फिर शांत हुए तो उसने कहा एक बार बाबा जी से दोबारा मिल लो। ये कभी किसी को ऐसा बोलते नहीं है अब शब्द, पता नहीं क्यों बोले हो, ध्यान देना। थोड़ा गुस्सा शांत हुआ, फिर से हिम्मत जुटाया और महाराज के पास गए। महाराज हम पहली बार आपके पास आए थे, साधु समझ के आए थे, अपने कल्याण की बात पूछी थी और आप उनको मूर्ख क्यों बोला? तो बोले बेटा आपको मैंने पहले तो मूर्ख नहीं कहा था ना, तुमने कहा मेरा कल्याण कैसे हो तो मैंने कहा राम राम करो। ध्यान से सुनना ये बात, तुमने मुझे जवाब दिया, प्रश्न किया कि दो अक्षर से क्या होता है, तब मैंने जो मूर्ख कहा उसमें कितने अक्षर हैं बेटा, कितने अक्षर हैं? तुमने कहा था ना दो अक्षर से क्या होता है, तो मैं दो अक्षर बोल के दिखा दिया क्या होता है, पता लगा क्या हुआ? बोलो भाई जब मूर्ख कहा तो कितने अक्षर थे उसमें? जब दो अक्षर से कुछ होता ही नहीं है तो तुम लाल पीले क्यों हुए? ये तुमको नहीं कहा है, मैंने तो दो अक्षर बोला है केवल भैया। तब उनके समझ में आ गई कि अक्षर में भी ताकत है भाई। जब दो अक्षर मूर्ख में इतनी ताकत है, इतने बड़े 65-70 किलो शरीर को नचा देवे, तो राम राम में ताकत नहीं होगी क्या? विश्वास करके और ठाकुर जी के चरणों में लग जाओ, समय बहुत कम है। पता नहीं भैया कब चला चली हो जावे, शरीर का कोई पता है क्या? उठते बैठते जागते सोते राम 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 राम, हाथ में काम हो और मुख में भगवान का नाम हो और उसके बाद हृदय में भगवान स्वयं आके निवास कर लेंगे। ध्यान तो अपने आप चलेगा लेकिन उठते बैठते सोते बढ़िया मेहनत करो, क्या हाथ से काम और मुख से भगवान का नाम। अगर ये दो चीज हम करते हैं तो हमारा जीवन इसी जीवन में अपना काम बन जाएगा। बस सावधानी क्या रखनी है, दो चीज नहीं करनी है। क्या क्या नहीं करना है? एक तो किसी का अपराध नहीं करना है और एक कर्जा नहीं लेना है। ये दो काम नहीं करना चाहिए साधक को। जिनको अपना कल्याण चाहिए उनको किसी का अपराध नहीं करना चाहिए और कर्जा नहीं लेना चाहिए। ध्यान से सुन लेना, ये दो काम नहीं करना। अपराध और पाप दोनों में अंतर है। पाप उसे कहते हैं जो शास्त्रों में निषिद्ध है, उसे पाप कहते हैं। क्या कहते हैं? जो शास्त्रों में मना किया गया है ये नहीं करना, उसका नाम पाप है। और जो व्यक्ति को कहते हैं इनके साथ नहीं करना, उनको नहीं अच्छा लगता है फिर करते हो, तो उसे अपराध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अपराध नहीं करना है और क्या नहीं करना है? कर्जा नहीं लेना है। क्या करना? स्वामी जी महाराज के सत्संग में मैं सुना, एक तरफ पाप हो और एक तरफ कर्जा हो तो क्या किस पर निर्णय करना चाहिए? तो पाप भले ही हो जाए लेकिन कर्जा नहीं लेना चाहिए। ध्यान देना आप लोग कान खोल के, क्योंकि पाप भोगने से मिट सकता है, कर्जा तो चुकाने आना ही पड़ता है, कल्याण रुक जाएगा भैया। और ये कर्जा बहुत खतरनाक चीज है और हम लोग रात दिन उसी में ध्यान बैठाए हुए हैं। लेके खाओ और मर जाओ, क्या किसने देखा? ये हमारा सिद्धांत नहीं है, ऋणम कृत्वा घृतम पीत्वा, ये हमारा सिद्धांत नहीं है, ये किसी नास्तिक दार्शनिक का है। हम लोग सतत इस बात का ध्यान रखें, किसी का अपराध ना करें और कर्जा ना लें, उसके बाद फिर निश्चिंत रहना कल्याण होना ही होना है। हमने ऐसा सुना है, शायद ये बातें आप लोग सुने होंगे, बड़े ध्यान से सुने। अपने फतेहपुर के आसपास की घटना है, यहाँ कोई सेठ जी थे तो वो कर्जा देते थे लोगों को, लेकिन उसके बदले एक साइन करवाते थे, इस जन्म में कर्जा दोगे क्या अगले जन्म में दोगे ये बता दो। ध्यान देना, जब वो देते, अब ये बीती घटना है, कहानी नहीं है, शेखावटी की ये बात है, मेरे हिसाब से रामगढ़ के थे ये सेठ। क्या कहते थे? कर्जा ले जाओ लेकिन यहां लिखवा दो इस जन्म में दोगे या फिर। प्रसिद्ध थे वो, मना नहीं करते थे। एक दिन दो चोर आए, तो चोर जिस दिन आते हैं उसी दिन चोरी नहीं करते, गांव में रह करके पहले पता लगाते हैं किसके यहाँ चोरी करें, कब सूना होता। आ करके आसपास एरिया में घूमे तो उनको पता लगा कि एक ऐसा मूर्ख सेठ है जो कर्जा देवे वो भी अगले जन्म तक का। उन दोनों ने विचार किया, ना भाई यहाँ चोरी नहीं करेंगे, यहाँ तो अपने कर्जा ले लेंगे और लिखवा देंगे, अगले जन्म में देंगे, और कौन किसको देने आता है।
दोनों ने विचार किया चोरी तो नहीं किया, लेकिन उस सेठ के पास जाकर के 1 लाख रुपया उस समय कर्जा लिया। कितना? बहुत पैसा होता था, 50-50 हजार दोनों ने लिया। और सेठ ने खुशी मन से दिया और ये भी कहा कि आप वापस कब करेंगे भैया? बोले अगले जन्म का लिख लो। उसने लिख करके और साइन करवा लिया और ये दोनों इतने राजी हुए कि देखो ऐसे ऐसे भी मूर्ख है बताओ। लेकिन भैया वो मूर्ख नहीं था, वो जानता था सिद्धांत क्या है। ये दोनों लोग दिन भर चले, रात्रि के समय एक गांव में ठहरे। पहले लोग मनुष्य पर इतना अविश्वास नहीं करते थे, जिसके यहाँ ठहरते थे, जिसका नमक खा लेते थे उसके साथ कभी धोखा नहीं करते थे। ये बातें पहले थी। आज के साधक की अपेक्षा पहले के चोर डाकू भी ठीक थे, उनके अंदर अपने ईमान का था। जिसका भी नमक खाया उनके साथ धोखा नहीं दिया उन लोगों ने। जब उस घर में वो रुके, अब ध्यान से सुनना, रात्रि में उनको नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि पैसा है ही ऐसी चीज, जिसके पास होता है ना उसको नींद नहीं आ सकती है। अगर आपके पास कुछ नहीं है आप रोई में बढ़िया सो लोगे, और अगर पास में है तो फिर कमरे में भी डर लगता है। अगर ऊंदरा भी कूद जाए तो लगता है आ गया कोई गला दबाने। नींद नहीं आती है, आप रख के देख लेना। जिनके साथ फेरे लिए हैं उनसे डरते हैं कहीं वो ना छीन ले, चुरा ले। और उतना ही नहीं, जिनको जन्म दिया है उस बेटा बेटी से डरते हैं। और इतना ही नहीं, अपने आप से डरते हैं कि कहीं गलती से खर्च ना हो जावे। ये पैसे की महिमा है। जितने बैठे हो सब समझदार हो, है ऐसा कि नहीं है? अपने आप से भी डरें कि कहीं भूल से ज्यादा ना खर्चा हो जावे। अरे क्या करोगे भैया इसको? उन सज्जन दोनों को, चोरों को नींद नहीं आई। अर्धरात्रि के समय उन्हीं के घर में एक बैल और एक गाय थी। वो आपस में बात करना शुरू किए। गाय कहती है, देखो वृषभ, आपके साथ में बहुत दिन से थी, जो मेरे से भूल हुई हो अनजान अनजान में माफ करना। बस कल कल का कर्जा इस मालिक का और है मेरे पास। कल मैं दूध दूंगी और इसके कर्जा का ऊरिण करके और मैं अपना शरीर छोड़ करके और अब सुख से रहूंगी। कभी जीवन में किसी का कर्जा नहीं खाऊंगी मैं। वो दोनों सुने और एकदम घबराए, अरे ऐसा भी होता है क्या? तब तक उस बैल ने कहा, देवी आप खुशी मन से जाओ, आप सौभाग्यशालिनी हैं कि थोड़ा कर्जा लिया था। हमने तो इस मालिक का इतना कर्जा खाया है, सारा श्वास समाप्त होने पर भी मेरा कर्जा नहीं निपटेगा। न जाने कितनी बार इसके यहाँ जन्मूंगा मैं। उस समय तो हमने खा लिया और अब चुकाने में हालत खराब है। तो उस गाय ने पूछा, कोई उपाय नहीं है क्या? तो बोले, एक उपाय तो है, जैसे मैंने इसका कर्जा खाया है ऐसे मेरा भी कर्जा एक खाया हुआ है, लेकिन अभी वो हाथी बना हुआ है राजा के यहाँ, उसमें मेरा कर्जा है। अगर ये घर का मुखिया उस हाथी से लड़ा दे तो मैं उसको हरा दूंगा, क्योंकि वो मेरा कर्जा खाए हुए है। और वो इनाम अगर इस मालिक को मिल जाए तो मेरा भी कर्जा ऊर्ण हो जाएगा। ऐसा कहकर के गाय और बैल ने बात किया। उन दोनों ने सुना और विचार किया, भैया ये तो नए दुख का आमंत्रण ले लिया हम लोगों ने। अभी तो मनुष्य शरीर है, मेहनत मजदूरी करके खा सकते हैं, और आगे ये चुकाना पड़ेगा गाय बैल भैंस बन करके। वो सेठ मूर्ख नहीं है, वो बुद्धिमान असली निकला। अभी इस जन्म में ठाट से रह रहा है और आगे कहीं जन्मेगा लोग उसका कर्जा चुकाने के लिए सुख देने आएंगे। और एक हम मूर्ख हैं, आज कमा के खा सकते हैं तो लोगों का कर्जा खा रहे हैं। भैया ये तो गलत हो गया अपने साथ। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं इन बातों को मानो मत, क्या पता ये झूठ बोलते हो। बोले, नहीं मनुष्य झूठ बोल सकता है लेकिन ये लोग नहीं, ये भोग रहे हैं। तब दोनों ने निर्णय किया, कल इसी के घर रुकेंगे और देखेंगे ये बात होता है क्या, गाय मरती है क्या नहीं मरती। वो लोग रुके, सुबह हुआ, गाय मालिक ने दुहा और दुहने के बाद 10 मिनट नहीं लगा उस गाय ने बैल को देखा और कुछ इशारा किया और उसके बाद शरीर छोड़ दिया। अब इनके और रोमांच हुआ, ये तो बात सत्य है। फिर उन चोरों ने उस मालिक से कहा, मालिक मेरा एक मन है, अपने बैल को राजा के हाथी से लड़ा दो और 50,000 का आप इनाम रखो, जिसका जीतेगा उसको मिलेगा। गृह मालिक उस चोरों को कहा, मूर्खो, हाथी से कभी बैल जीता है? बोले, नहीं आप लगा दो बाजी, जीत जाएगा। बोले, नहीं हम इतना मूर्ख नहीं है। तब चोरों ने कहा, ध्यान से सुनो, तुम अपने बैल की बाजी लगाओ, अगर ये हारा
तो ये मेरे पास 50,000 रुपए मैं भर दूंगा, और अगर जीता तो 50,000 रुपए आप ले लेना। अब तो तैयार हो? जब सामने पैसा देखा तो गृह मालिक ने ये हां भर ली और जाके राजा को बोला। अब राजा तो मान सम्मान के लिए होते ही थे, उन्होंने कहा बैल से अगर हाथी नहीं लड़ाते तो नाक की बात है, है कि नहीं है? लेकिन राजा को यह विश्वास था कि कभी बैल जीतेगा। दोनों को सब प्रजा के सामने छोड़ा गया और जैसे उस हाथी ने इस बैल को देखा समझ गया कर्जा खाया हुआ हूं, और हाथी ने गर्दन नीचे किया और बैल जो सींग मारना शुरू किया, ऐसा अपमान देख करके राजा बीच में ही युद्ध बंद करवा दिया कि हार स्वीकार करता हूं, इससे ज्यादा बेइज्जती और नहीं होनी चाहिए मेरी। राजा ने हार मानी और 50,000 रुपया इनाम में बैल मालिक को दिया। बैल घर आया और उसके बाद शरीर छोड़ दिया। अब चोरों के तो ये तो जच गई कि भैया कर्जा चुकाना तो पड़ेगा, ये पैसा अभी परिवार वाले खा जाएंगे और इसके बाद न जाने कितने जन्म लग जाएंगे, ये पैसा नहीं लेंगे, अपने आज से मेहनत करेंगे, ना तो चोरी करेंगे ना कर्जा खाएंगे, वापस आए यहाँ इस सेठ के पास, सेठ जी ये पैसा वापस ले लो। बोले ना, मैं वसूल का पक्का हूँ, हमने तुमसे साइन करवाया है, पैसा अगर लूंगा तो अगले जन्म में ही देना, अब नहीं लूंगा मैं। लाख कहने पर सेठ बदला नहीं, बोले मेरा कोई वसूल है, मैं अपने वचन पर अडिग हूँ, मैं इस पैसे को नहीं लूंगा, जहां चाहो वहां तुम फेंक दो। ध्यान से सुनना, लाख कहने पर पैसा वापस नहीं लिया उसने, पूर्व जन्म की बात है, अगले जन्म में चुकाना। अब वो दोनों चोर इतना दुखी हुए, अपने गांव आए और उन पैसों से एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया, मीठा पानी भरवाया और इसके बाद रात दिन उसकी रक्षा करते, ना किसी गाय को पानी पीने देते, ना किसी मनुष्य को पानी पीने देते, यहाँ तक पक्षी को भी पानी नहीं पीने देते। अब ये बात पूरी तरफ फैली, आकर के लोग बोलते जब पानी पीने नहीं देना है तो बनाया क्यों? बोले मेरा पैसा नहीं, मैंने नहीं बनाया, वो फला सेठ ने बनाया है, उसने कहा पानी मत पीने देना। चोरों ने ये चाल चली और सारी बात फैलते फैलते लोग सेठ तक पहुंच गए। जब तुम्हें पानी पीने ही नहीं देना था तो फिर बनाया क्यों? वहां गाय तीसी खड़ी रहती है। जब बहुत लोग गए, अपमान होने लग गया, तब वो आया चल के और देखा वही दो चोर। भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले ये कर्जा तुम्हें वापस लेना पड़ेगा, मेरा पैसा नहीं है, सेठ पैसा तो तेरा ही है, और जब तक तूने हाँ नहीं भरोगे मैं एक पक्षी को भी पानी नहीं पीने दूंगा, और जो पाप लगेगा वो तुम्हें लगेगा क्योंकि पैसा तुम्हारा है। जब इस तरह से चोरों ने कहा तब आखिर सेठ को झुकना पड़ा और हाँ बोल करके उन दोनों को मुक्त किया। भैया ये कर्जा जल्दी पीछा छोड़ता नहीं है, इसलिए भूल से भी अगर कभी किसी का लिया हो तो मैं तो यही कहूंगा, अगर कल्याण चाहते हो तो आंख मीच के दे दो। हमने तो संतों से यहां तक सुना है, अगर आपके पास कर्जा देने के लिए कुछ नहीं है तो हाथ में कटोरा लेकर चौराहे पर रो दो और गांव वाले से भीख मांग लो कि भैया मैं कर्जा लेके मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे कर्जा देना है, किसी का ऋण लेके नहीं मरूंगा, वो तुम्हारे जीवन में उत्थान का काम करेगा, लेकिन कर्जा लेके मत मरो किसी का, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। 84 लाख योनि भटक भटक करके हम लोगों ने दुख पाए हैं और भगवान ने कृपा करके करुणा करके मनुष्य जन्म दिया था कि मेरे पास आओगे, और यहाँ लोगों का अपराध और कर्जा लेकर के क्यों 84 के चक्कर में हम जाएं? हम मेहनत करेंगे, नमक रोटी खा के सोएंगे, लेकिन किसी का ऋण नहीं लेंगे अपने जीवन में, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। अगर इतना भी हम लोग कर लिए, किसी का अपराध ना करें, किसी का कर्जा नहीं खाएंगे और भगवान का नाम जपेंगे और जो सामने काम आएगा उसको भगवान का मान के कर देंगे, अब कल्याण की कोई चिंता नहीं है। डरो मत, अब ठाकुर जी के धाम ही चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि भगवान ने ये सब इसीलिए दिया है, इसीलिए तो दिया है। अगर भगवान कल्याण नहीं करना चाहते तो इतना सुंदर माहौल क्यों देते? भैया बताओ, बहुत कल्याण करना कठिन नहीं है, कठिन हमारे ये जो आदत बिगड़ गई इसको छोड़ना है। सुबह उठ करके बढ़िया ठाकुर जी को प्रणाम करो, गंगा जल और तुलसी दल मुख में ले लो,
और बढ़िया लग जाओ अपने काम में, उसको ठाकुर जी का काम मार करके सारा दिन करो। शाम को आए, ठाकुर जी ने जो दिया उसे झीम लिया, सोने से पहले गंगा जल और तुलसी दल लिया और ठाकुर जी की गोदी में सिर रखा, अनुभव करो मेरे प्रभु मेरे सिर पर मेरे कपोल पर बढ़िया हाथ फेर रहे हैं, और उन्हीं का नाम लेते लेते उन्हीं के गोदी में सो जाओ। सुबह फिर उठो, स्नान आदि करो, सुंदर गंगा जल लिया, तुलसी दल लिया और भगवान को प्रणाम किया कि हे प्रभु अब जो जो काम मेरे को सौंपोगे ईमानदारी से मैं कर दूंगा, बस शाम को सोते समय वो भगवान को सौंप दो। इतना नहीं कर सकते हम लोग क्या भाई? जितने यहाँ बैठे हो ये करना भी कठिन है क्या? इतना आप करो, जो भी सारा दिन काम करो वो ठाकुर जी को सौंप करके उन्हीं के गोदी में सो जाओ। कैसे सो जाओ? राम 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 कहते और सुनते मन में भाव रखो, हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम, ए हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम, ए हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम, हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम, ए हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम, राम जी के। आप लोग बोल नहीं रहे हो, नाराज हो गए क्या? नहीं, मेरे को लगा आपको मैंने ये बात बता दी आप नाराज हो गए, तो थोड़ा जोर से बोल लो, राम जी का ही तो नाम है। हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम, हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम, वे तो लाखों पापियों को तारे हैं, वे तो, ए हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम, राम जी के, ए हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम, ए हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम, ए हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम, हमारे हैं हम राम जी के। अब कितना काम है देखो, सरल सरल काम। एक तो जीव को रुकने नहीं देना है, क्या करना है? गाली देना है लोगों को, हाँ क्या करना है? राम राम करना है। कहीं कहे तो महाराज जी ने कहा रुकने नहीं देना है, तो फिर कुछ भी बोलो, कुछ भी नहीं, भगवान का नाम लेना है। क्या करना है? भगवान का जीव से नाम लेना है और सुबह शाम गंगा जल और तुलसी जी लेना है। जितना भी हम काम करते हैं वो भगवान का काम करना है। किसका? भगवान का। सावधानी क्या रखना है? किसी का अपराध नहीं करना है और कर्जा नहीं लेना है, दो काम नहीं करना जीवन में। और अगर हो गया हो ये दोनों तो हाथ जोड़ करके माफी मांग लो। श्वास रहते रहते आप किसी का अपराध किए हो, तुम्हें लगा हो, तो बिल्कुल संकोच मत करो, कोई संकोच नहीं है। जाकर के कह दो भैया जो अनजान में मेरे से कुछ हुआ है उसे आज मैं माफी मांगता हूँ, और अगर सामने जाके ना मांग सको तो मन ही मन मांग लो भगवान से माफी, ठीक है? और अगर किसी का कोई दो चार रुपया रह गया हो और तुम्हें याद हो तो बिना मांगे उसको दे करके उससे पूर्ण हो जाओ। इतना काम आप कर लो और देखो अपना जीवन कितना सुंदर बन जाए। एक मन में बात हो रही थी उसको बता के फिर हम विश्राम लेते हैं। हमने संतों से सुना है कि हमारे ऊपर कई तरह के ऋण हैं,
और ऐसा कुछ काम है जो हमने हाँ भरा है। एक कोई संत जी नर्मदा किनारे हमें मिले, बहुत ध्यान से सुनना, अच्छी बात याद आई है। उनसे मैं एक बार प्रश्न किया, हे महाराज जी, गायों की महिमा हमने बहुत सुनी है। किसकी महिमा? पढ़ा भी है और सुना भी, और आप लोग भी जगह जगह सुनते होंगे। उनसे मैंने कहा, महाराज अभी तक गायों की महिमा में ऐसी एक बात बताओ जो ना तो मैं पढ़ा हूं और ना ही कहीं सुना हूं, ऐसी कोई गायों की महिमा की बात बताओ। तो थोड़ी देर शांत थे, उसके बाद वो मुस्कुराए और बोले, हाँ एक बात आपने नहीं सुना है और सच में मैं नहीं सुना था, बताऊं या रहने दो? उन्होंने कहा, मनुष्य का स्वभाव इतना विलक्षण है, जब ये दुखी होता है तो जहां तीर्थ स्थान पर जाता है वहां मनौती करता है, हे महाराज मेरा ये दुख दूर कर दो, हम आपको ये चढ़ाएंगे या फेरी लगाएंगे या कुछ देंगे। ऐसा जहां कहीं जाता है दुखी व्यक्ति वहीं वहीं मनौती कर लेता है, करता या नहीं? और जब इसका काम पूरा हो जाता है तो इसको याद तक नहीं होता है कौन से देवता को हमने क्या बोला है। तो हम तो कह के भूल जाते हैं, लेकिन वो देवता पाने की इच्छा से प्रतीक्षा करते हैं कि कभी आके देंगे। और जब वो देखते हैं कि ये नहीं देना चाहते, तब वो कोप करते हैं, नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, और वो गुस्सा के कारण हम कभी कोई गलती नहीं किए फिर भी दुखी रहते हैं। और फिर क्या कहते हैं, महाराज जी हमको समझ में नहीं आता है कि मेरे घर में दुख क्यों है, मेरे जीवन में दुख क्यों है। ये इस दुख को दैविक दुख बोलते हैं। कौन सा दुख बोलते हैं? तीन प्रकार के दुख हैं, दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक। दैहिक, दैविक और भौतिक, शारीरिक दुख, पैसा धन का कमी, ये भौतिक दुख, और ये एक इस तरह का ये दैविक दुख। ध्यान से सुन लो। अब जब हमको याद भी नहीं है कि कौन से देवता को क्या कह दिया है मैंने, क्या देने का वचन, तो देंगे कैसे? मैंने कहा, हाँ महाराज ये बात तो है, अब इसका दुख कैसे दूर हो? तो बोले, अब ध्यान से सुनना, ये जो गाय माता हैं, इनमें 33 प्रकार के देवता रहते हैं। कितने प्रकार के? अभी तक तो आपने सुना होगा 33 करोड़ देवी देवता, सुना है ना? लेकिन वहां उन्होंने बताया कि देखो, जब 33 हिंदी में है तो कोटि का अर्थ भी हिंदी में करोगे तो प्रकार होता है, क्या होता है? करोड़ नहीं होता है। संस्कृत में जब कोटि का अर्थ करोगे तब करोड़ होता है, लेकिन 33 तो हिंदी में बोलते हैं, और एक शब्द हिंदी एक संस्कृत नहीं होता है। हिंदी में कोटि का अर्थ प्रकार होता है, तो 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं। कितने प्रकार के? 33। और वो 33 प्रकार के देवी देवता गाय में निवास करते हैं। अब क्या करो, जब आपका जन्मदिन आवे, क्या आवे? जन्मदिन तो जानते हैं ना, उस दिन आप अपने शरीर के वजन के बराबर चाहे घास ले लो, चाहे अनाज ले लो, चाहे कोई चूरी चापड़ जो आती है खल आती है ये ले लो, जितना भगवान ने तुम्हारे को दिया है उस हिसाब से अपने शरीर के वजन के बराबर कोई चीज ले लो और गौ माता के पास पहुंचो और हाथ जोड़ करके विनती करो, हे गौ माँ, मैंने जान अनजान में कभी किसी देवी देवता को कोई वचन दिया हो, अब मुझे याद नहीं है लेकिन दुख पा रहा हूं, आप कृपा करके आपके शरीर में सारे देवी देवता निवास हैं, उनको वो भाग प्राप्त हो जावे जिनकी वो मेरे से आशा रखते हैं, ऐसा कह करके, और आप गौ माता की सेवा कर दो, आपके जीवन में जो कुछ बोला होगा वो माफ हो जाएगा। ये वो संत ने बात बताई, और ये बातें मेरे को लगी कि बात तो सही है, न जाने कितने दुख में हमने कहां कहां बोल रखा हो और याद नहीं है। तो कम से कम साल में एक बार गौ सेवा नहीं कर सकते हम लोग क्या? भाई कोई बताओ, नहीं कर सकते हो क्या? अरे हम यहाँ दुख से ही तो छूटने आए हैं भैया, रात दिन जो खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, कीड़ों को मार रहे हैं, वो किस लिए? सुखी हो जावे, इसी तो लिए। तो कम से कम आप लोगों के यहाँ सुंदर गायें होंगी, जब जब जन्मदिन आवे, साल भर में एक दिन तुम गायों के पास जाके ऐसा कर लो तो क्या दुख हो जावे, सहजता से हमारा दुख मिटे, गौ सेवा हो जावे और कल्याण हो जावे। ऐसे युक्ति से अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। न जाने हमने कब किसको क्या वचन दे रखा हो, भाई हम जानते थोड़े ही हैं, और आज उसी वचन के कारण हम लोग यहाँ हैं। जैसे हमारा देना पूरा हो जाता है उसी समय हम यहाँ से चल देते हैं, कोई किसी के लिए रुकता नहीं है। आप लोग अभी तक इंतजार करते थे महाराज जी आएंगे, और अब महाराज जी
बस इतना ही खेला है, देख लो। अभी तक गांव वाले इकट्ठा होकर के बार बार फोन कर रहे थे, कहां तक पहुंचे, महाराज जी आएंगे, महाराज जी आएंगे। और अब किसी के मन में आता है आएंगे? अब तो मन में आता है महाराज जी। अब देख लो भैया, इतना ही है। आप लोग आए हैं, हम आए थोड़ा घंटा आध घंटा के लिए, और आप आए थोड़ा कई वर्षों के लिए, लेकिन आए आप भी हैं, और यहाँ से जाना तो नहीं, आप लोग थोड़े जाएंगे। सिंह गुरु वाले जाएंगे तो जहां के लिए जाएंगे वहां के लिए खजाना ले लो। ये वाला धन जाएगा नहीं, ये यहीं छूट जाता है। वहां तो राम राम जावे, खूब बढ़िया, रात दिन लखपति बनो, करोड़पति अरबपति बन करके, और अब ठाट से ठाकुर जी के धाम में पहुंचेंगे। अब कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं? क्योंकि श्वास रहते हमको पता लग गया है कि वहां साथ क्या चलता है, राम राम धन, और बढ़िया राम 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 राम। बहुत सुंदर आप लोगों का जीवन है, ये मान लो, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। गांव का जीवन बहुत सुंदर जीवन है, क्योंकि आप मेहनत का खाते हैं, किसी के साथ ठके धोखे बाजी नहीं करते हैं, सारा दिन धूप गर्मी सह करके मेहनत करते हैं, और मेहनत के कमाई खाने वाले का अंतःकरण अभी इतना अशुद्ध नहीं हुआ है। और आप लोग बस एक ही काम मान लो, राम 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 राम, जो काम आवे कर लो, और बढ़िया भगवान का नाम लेते लेते आनंद से अपने ठाकुर जी के वहां चलेंगे, क्योंकि वो अपना घर है। राम जी राम, राम जी राम। सियावर राम चंद्र भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की। नोखा में कथा चल रही है, पता है गांव वालों को क्या? आप सबको सिगरी नो तो है बैठे, ठीक है, जीम के घर से आना, कथा सुनने की है, नहीं तो बाबा जी कहां देंगे। वैसे तो व्यवस्था है, आप लोग आओ, बढ़िया टिफिन लेकर के भी आ सकते हो, सुनने की सबको सिगरी नो तो है, ठीक है। और एक और बात बताऊं, जैसे कभी यहाँ पर वो महाराज जी के क्या बोलते स्पीकर कभी लगाते थे ना, हमारे साथ में आते थे ज्योतराम जी आदि, ऐसे जो मैं बोलता था ना कि मुरली मनोहर धोरे से एक हमारे राधे श्याम जी महाराज हैं, वो आप ही हैं। स्वामी जी महाराज अपने सामने आपको वो सौंप के गए थे कि वाणी का प्रचार आप करेंगे। मैं कभी कथा में बोलता ना कि हमारे राधे श्याम जी महाराज ये तैयार करते हैं, धोरे पर रहते हैं, आप हैं और इतने सरल हैं। अभी मैं कहा कि सिंधगुरु चलते हैं तो आ गए। महाराज जी भी कल वहां रहेंगे, अगर किसी को वो स्पीकर बढ़िया सत्संग भजन के लिए चाहिए तो वहां पर उपलब्ध है। आजकल मैं तो नहीं रख पा रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। महाराज जी वहां आए, बोले सबका लाभ हो, सबको मिले, तो जिनको लेना है अभी नोखा में वहां मिल रहा है, आप महाराज जी से वहां ले भी सकते हैं। ये अभी मेरे को याद आई, क्योंकि वो स्पीकर इतना लोगों का कल्याण किया है, इतना लोग, एक वृद्ध सज्जन तो मेरे को मिले, बोले महाराज जी मेरे को मेरा जीवन मिल गया है, सब कुछ इसमें है, लगा लेता हूँ, और कोई पंचायती गांव में जाने की जरूरत नहीं, कभी कीर्तन, कभी भजन, कभी सत्संग, बड़ा सुंदर चीज है। अगर आप लोगों को लेना है तो वहाँ नोखा में कथा में महाराज जी वहाँ रहते हैं, गेट के पास लगा है, वहां से लेकर के और अपने जीवन को सुंदर आप लोग बनावे, ठीक है। राम जी राम, राम जी राम। चल चलो, ये सब हम बाद में। माता राम पूछ रही हैं कि बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए कि नहीं। अगर हमारे से पूछ रहे हैं तो मैं शास्त्रों का सिद्धांत तो अभी नहीं जानता, लेकिन मेरे खुद जस्ती है बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कारण क्या है? उसमें हनुमान जी को सौगंध दिलाया गया, उठ उठ चल त्वहि राम दुहाई, और जो सौगंध खिला के एक बार काम निकाल सकते हो, उसके बाद हनुमान जी के कोप से छूटोगे नहीं। एक बात और याद आ गई मेरी तरफ से, एकम का दिन आ रहा है, ध्यान देना, चैत्र शुक्ल पक्ष एकम, ध्यान देना, जिसको गुड़ी पाड़वा बोलते हैं, हमारे नया साल, उस दिन सभी लोगों को खाली पेट एक शरबत पीना चाहिए। उसमें क्या क्या डालना है? नीम की पत्ती, काली मिर्च, गुड़, थोड़ा सा हींग, अजवाइन और इमली, सेंधा नमक, काली मिर्च, ये चीजें थोड़ा थोड़ा डाल करके और उसको पीसना है, शरबत बनाना, एक गिलास खाली पेट लेना है, भूलना नहीं है। इस एक गिलास के शरबत से साल भर तक चर्म रोग और बुखार नहीं होता है, इसका बड़ा सुंदर महिमा है। ये मेरे को चलते चलते याद आ जाएगा, आप लोग याद कर लेना, इनमें कई के पास है, फिर से ध्यान कर लो, नीम की पत्ती, काली मिर्च, गुड़, इमली, अजवाइन, जीरा और थोड़ी सी हींग।
आठ चीज ये हैं, ये इनके डूंगर जी के पास में लिखा हुआ, मैं लिखवा दिया था, उसको करके खाली पेट सबको लेना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी है, साल में केवल एक ही दिन लेना होता है और बढ़िया सुंदर शरीर रहता है। और जब मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तब आप लोगों को बढ़िया सुंदर लाभ भी होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन अभी मेरे को महाराज जी का देर हो रहा है, वहां किसी को कह रखे हैं कुछ, मैं इसलिए थोड़ा अब की बार आप लोगों से थोड़ा ही समय लिया हूँ, ठीक है। अच्छा, प्रभु जी कह रहे हैं कि फेरी का बोल दो, कौन सा फेरी, 84 लाख वाली। अच्छा, प्रभात फेरी, प्रभात फेरी में तो आप सारे लोग गांव वाले जाते होंगे ना, तो देखो भाई हम आपके गांव में इसलिए ज्यादा आते हैं कि आप लोग कहना मानते हैं, तो हमारे मन में है कि प्रभात फेरी रुकनी नहीं चाहिए। आप लोग थोड़ा थोड़ा, अब तो बहुत सी पड़ रही होगी सुबह सुबह, तो थोड़ा सा निकलो भाई, डॉक्टर लोग बता देंगे तब घूमोगे, थोड़ा महाराज की मान लो। प्रभात फेरी में सभी लोगों को आना चाहिए, ठीक है। राम जी राम, राम जी राम। देखो डूंगर जी महाराज कथा के लिए हमारे संत जी का नाम याद है, गांव वाले सभी लोग, अब मैं तो मैं कह पाऊंगा नहीं, यही लोग कहेंगे, आप लोग सुनो मेरे से नहीं कहा जाए, चलो भाई सुनो तुम, तो क्या चीज करना है। राम कथा किसको करवानी है, गांव वाले तो कुछ बोल ही नहीं रहे भाई, किसको किसको राम कथा करवानी है, हाथ उठाओ सारे। चलो ठीक है, अब सुनो, अब मैं एक समय देख करके और इनको बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं जल्दी हूँ और अभी मेरे को याद भी नहीं कौन सा समय खाली है, देख करके मैं कोशिश करूंगा। लेकिन आपसे एक विनती ये है कि गांव में जैसे अभी प्रेम बना ऐसे प्रेम बढ़िया रखो। अरे बाबा जी को चाहिए क्या, दो रोटी और प्रेम, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। हम तैयार हैं, ठीक है, हम इनको समय दे देंगे। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा।